उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहते हैं योगी सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हो गया है, लेकिन फिर भी आए दिन कोई ना कोई खबर ऐसी आती है जिससे हमारा दिल स्तब्ध हो जाता है। काशी नगरी के BHU कैंपस में हुए इस हादसे ने हर एक छात्र को झकझोर कर रख दिया है। देर रात छात्रा के साथ मनचलों ने दुष्कर्म किया। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल छात्र अपने दोस्तों के साथ कैंपस में घूम रही थी, इसी बीच उनके पास बाइक सवार आते हैं और उन्हें रोककर छात्र के दोस्त की पिटाई करने लगते हैं। दोस्त की पिटाई के बाद छात्रा को साथ में ले जाते हैं। इन मनचलों पर आरोप है कि इस दौरान छात्रा के कपड़े फाड़े गए और छेड़खानी की, साथ ही साथ उसके साथ दुष्कर्म भी किया। इसके बाद छात्रा को आपत्तिजनक अवस्था में एक सड़क किनारे छोड़ मनचले भाग जाते हैं। ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस संबंध में IIT BHU के छात्रों ने सुरक्षा के नाम पर कैंपस में हंगामा किया है। ये मामला एक्स पर ट्रेंडिंग मामला चल रहा है। आपको बता दें कैंपस में छात्रा के साथ हुए छेड़छाड़ के विरोध में 2 नवंबर को कैंपस के अंदर सैकड़ों की तादाद में छात्र एकजुट हुए हैं। सभी छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। कई तरह के बैनर लिए बैठे छात्रों ने कहा कि रात 2 बजे एक ऐसा क्राइम हुआ है जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते। एक छात्रा के साथ छेड़खानी हुई है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। इस तरह की घटना हमारे BHU में पहली बार नहीं और ये कुछ नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पूर्व में हुई घटनाओं पर सख्त एक्शन नहीं लेने की वजह से आगे इन घटनाओं में वृद्धि हो रही है और आज हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। स्टूडेंट पार्लियामेंट IIT BHU की तरफ से अन्य छात्रों से अपील की है, सभी छात्र क्लासेस न लें और DG कॉर्नर पर धरने के लिए बैठें। साथ ही मांग की गई है कि कैंपस में CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए, कैंपस बंद होने पर एंट्री पर रोक लगाई जाए, इस घटना के आरोपियों पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि सुरक्षा के साथ किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। BHU में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन ले। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।